1857 के सिपाही विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता से दबा दिया। तकरीबन 50 साल बाद तक फिरंगियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं निकली। निराशा हताशा के उस घोर सन्नाटे को तोड़ा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जन्मे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने। इन वीर सपूतों ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर क्लब के सामने ऐसा बम विस्फोट किया जिसकी आवाज लंदन तक गूंजी। महज 18 साल की उम्र में शहीद खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। एक बार विदाई दे माँ घोरे आशी हांसी हांसी पोर्बो फांसी देख बे भारत बासी। ओ माँ मुझे एक बार विदा तो दे ताकि मैं घूम कर आ जाऊं, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा और सारे भारतवासी देखेंगे। ये आखिरी अल्फाज थे उस महान क्रांतिकारी के जिसने 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। गुलामी की दास्तां से भारत माता को मुक्ति दिलाने की खातिर प्राण न्योछावर कर दिए थे, वतन की खातिर जिंदगी होमकर नई पीढ़ी को निर्भीकता का पाठ पढ़ाया था। जेल के सेल की दीवारों पर उनके हाथ से उकेरी गई ये पंक्तियां बंगाल का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया। बंगाल की अंग्रेज सिपाहियों को नानी याद आ गई।
एक बड़ी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। नौजवान शहीद खुदीराम बोस के दीवाने हो गए। बंगाल के जुलाहों ने एक खास धोती बुनी जिसके किनारे में लिखा होता था खुदीराम। जेल के सेल में खुदीराम बोस ने जो पंक्तियां उकेरी थी पीताम्बर दास ने उनका विस्तार किया। खुदीराम बोस के सम्मान में पीताम्बर दास का ये गीत बंगाल के घर घर में अब भी गाया जाता है। मेदिनीपुर जिले के बहुवैनी गांव में जन्मे खुदीराम बोस के सिर से बचपन में ही माता पिता का साया छिन गया था। बड़ी बहन ने लालन पालन किया लेकिन देश को आजाद कराने की लगन ऐसी थी कि नौवीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। मासूम चेहरा और फौलादी जिगर वाले इस क्रांतिकारी बालक की शहादत ने समूचे देश में देशभक्ति की नई लहर पैदा कर दी। स्कूल कॉलेज के छात्र खुदीराम बोस के दीवाने हो गए। जेल में खुदीराम के जज्बात को मुकम्मल गीत की शक्ल देने वाले पीताम्बर दास की आखिरी पंक्तियां कहती हैं, दशमाश दश दिन पूरे जन्मो नेबो माशीर घरे मागो ताखोन जोदी ना चीनते फारिश देख भी गोलाए फांसी ओमा। आज से 10 महीने 10 दिन बाद में मौसी के घर फिर जन्म लेकर लौटूंगा। अगर मुझे ना पहचान पाओ तो मेरे गले में फांसी के फंदे का निशान देखना। हाई स्कूल से निकलने की उम्र, कॉलेज में दाखिले की उम्र, प्रेम की कोपले फूटने की उम्र, भविष्य के सपने संजोने की उम्र, 18 साल की उम्र में खुदीराम ने देश को गुलामी की दास्तां से मुक्त कराने की खातिर जीवन होम कर दिया, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।